हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मधुमेह यानी कि डायबिटीज की एक्सरसाइजेस के बारे में। मैंने पिछली वीडियोस में आपसे डिस्कस किया है डायबिटीज में कौन कौन सी चीज़ों का सेवन हमें खाने पीने में करना चाहिए, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ योगा और एक्सरसाइजेस के बारे में जो डायबिटीज में इंसुलिन के लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करेंगी। आप सब जानते हैं डायबिटीज होना आजकल एक आम सी बात हो गई है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इसका शिकार हो जाते हैं। इससे पूरी तरह छुटकारा तो नहीं मिल सकता, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ योगा के बारे में जिसके करने से हम इसे कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों अनुलोम विलोम। आपने अनुलोम विलोम के बारे में पहले भी सुना होगा। ये हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो। डायबिटीज के मरीजों के लिए अनुलोम विलोम करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। डायबिटीज टेंशन लेने से तेजी से बढ़ती है दोस्तों, तो इसे कंट्रोल रखने के लिए पहले तो मन को शांत रखना बेहद ही जरूरी है। तो ये प्राणायाम मन को शांत करने का सबसे उत्तम योग है। इसे करने से हर दिन सारी टेंशन दूर होने लगती है और साथ ही डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहने लगता है। तो दोस्तों, इस आसन को करने के लिए आप 15 मिनट का टाइम लेके कर सकते हैं। दूसरा है, ये आसन पेट और पेट की आंतड़ियों को सक्रिय रखने में बहुत अच्छा है, जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए आवश्यक है। ये आसन शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, शरीर को लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल बनाता है। इस आसन को करने के लिए जमीन पर बैठ जाएं और अपने पैरों को सीधा फैला लें, फिर धीरे धीरे अपने आप को आगे की तरफ झुकाएं और अपने माथे के साथ पैरों की उंगलियों को छूने का प्रयास करें। दोस्तों, शुरू के दिनों में पूरी तरह से पैरों की उंगलियों की तरफ झुकाने में मुश्किल आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप रोज करेंगे, आपका झुकाव बढ़ेगा और आप पूरी तरह से पैरों की उंगलियों को सक्रिय तरीके से छू पाएंगे। ये आसन डायबिटीज में मदद करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पेट की पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है और साथ ही जिनको कब्ज की समस्या है उससे छुटकारा दिलाता है। तीसरा है भुजंगासन, जिसको कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है डायबिटीज के रोगियों में पीठ का दर्द बना रहता है, तो ये आसन पीठ के दर्द से मुक्त कराता है। कोई भी इस आसन को व्यक्तिगत रूप से या सूर्य नमस्कार के हिस्से के रूप में कर सकता है। भुजंगासन शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कि गैस की परेशानी रहना, पेट में एसिडिटी बनने से भी रोकता है। जो लोग भी इसे नियमित रूप से इस आसन को करते हैं, उनका बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है और साथ ही साथ डायबिटीज के रोगियों में ब्लड शुगर के लेवल में भी काफी सुधार आ जाता है। तो ये आसन को आप 10 मिनट तक करने की कोशिश करें। ये क्रिया तनाव को कम करने में भी मदद करता है, जो मधुमेह से जूझ रहे लोगों में कई बार देखा जाता है। चौथा है, इस आसन को धनुष मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये डायबिटीज के इलाज के लिए एक और बेहद असरदार मुद्रा है। ये आसन करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और दोनों पैरों के घुटनों को मोड़कर एड़ियों को अपने हिप्स पर टिकाएं। अब हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लें और याद रखें कि आपका एक पैर दूसरे से थोड़ा अलग होना चाहिए। दोस्तों, ये आसन देखने में कठिन जरूर लगता है, लेकिन एक बार करने के बाद ये आसन बहुत ही सरल लगेगा। ये आसन डायबिटीज को ठीक करने के साथ साथ फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए भी अच्छा है। दोस्तों, याद रखें, जिनकी भी बैक में सीरियस इंजरी है या प्रेग्नेंट हैं या जिसको पेट से जुड़ी समस्या है जैसे कि हर्निया, वो लोग इस आसन को बिल्कुल ना करें। ये आसन थकान से आराम, पीठ दर्द में आराम, जिनका पेट बड़ा हुआ है उनके पेट की चर्बी को कम करेगा। पांचवा है अधोमुख श्वान आसन। दोस्तों, ये आसन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जिन भी डायबिटीज पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उनका बीपी कम करता है और जिनको शरीर में कमजोरी महसूस होती है उनको शारीरिक रूप से फायदा करता है। इस आसन को करने से पहले अपने पैरों की मांसपेशियों को और हाथों को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर ले। इस आसन को करने के लिए अपने हाथों और पैरों के बल आ जाएं और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएं। अपने घुटने और कोहनी को मजबूती देते हुए सीधे करें और शरीर से वी शेप का आकार बनाएं, जिस तरह से फोटो में दिखाया गया है। इस आसन को करते हुए लंबी गहरी सांस लेते रहें। छठा है टहलना और दौड़ना यानी कि वॉकिंग एंड रनिंग। दोस्तों, ये सब जानते हैं टहलना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए टहलने से उनमें हृदय संबंधी बीमारी का खतरा कम हो जाता है।
टहलना मोटापा घटाने के लिए भी सबसे कारगर है, जो मधुमेह रोगियों में काफी बार देखा जाता है। टहलने से फेफड़ों को भी शुद्ध हवा मिलती है, जिससे आपका खून भी शुद्ध होता है और शरीर को ताकत मिलती है। इसी तरह से टहलने के साथ साथ दौड़ना भी सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। दौड़ने से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर और ज्यादा बेहतर होता है। दौड़ने से डायबिटीज रोगियों में शुगर लेवल भी स्थिर रहता है, जो बेहद ही जरूरी है। टहलना या दौड़ना पेट के लिए भी अच्छा है, ये कब्ज, गैस, एसिडिटी इन सब से हमें दूर रखता है। सातवां है नौकासन। दोस्तों, इसे बोट पोज के नाम से भी जाना जाता है। नौकासन का आकार नाव यानी कि बोट की तरह होता है। ये आसन डायबिटीज में बेहद अच्छा आसन है। ये आसन करने के लिए पहले आप आराम से बैठ जाएं और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी टांगों को ऊपर की ओर उठाएं और सीधा रखें। कोशिश करें पैरों या घुटनों को मोड़े नहीं। अब पैरों की दिशा में अपने दोनों हाथों को बढ़ाएं और सीधा रखें, और दोनों हाथ खुले हों और उंगलियां सीधी रखें। इस आसन को करते समय साथ साथ सांस लेते रहें। दोस्तों, ये योगा आपके एब्डोमेन के मसल्स को मजबूत करता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और साथ ही डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के शुगर के लेवल को नियंत्रित रखता है। आठवां है दोस्तों, ये आसन पेट के अंगों की मालिश करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, डायबिटीज के मरीजों में तनाव को कम करता है, उनके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है और पीठ की स्पाइन में लचीलापन लाता है। इस आसन को करने के लिए बैठ जाएं और हल्का सा हाथों से जमीन को दबाएं और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को लंबा करें। इसके बाद धीरे धीरे बाएं यानी कि लेफ्ट पैर को मोड़े और दाएं घुटने के ऊपर से लाकर बाएं पैर को जमीन पर रखें। इसी तरह 10 सेकंड बैठने के बाद दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करें। दोस्तों, ये आसन बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन जिन लोगों की पेट या दिल की सर्जरी हुई है वो लोग इस आसन को करने से बचें। अगला है पादनगुष्ठ आसन। ये आसन भी डायबिटीज में काफी योग्य माना जाता है। ये आसन उन लोगों के लिए भी फायदा करता है जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, जैसे कि गैस है, एसिडिटी है, कब्ज है, इन सब से छुटकारा दिलाता है और साथ ही पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है। इस आसन को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से थोड़ा सा अलग रखें। अब आगे की ओर धीरे धीरे झुकने की कोशिश करें और अपनी उंगलियों से पैर के दोनों अंगूठों को पकड़ें। याद रखें कि 5 से 10 मिनट तक इस मुद्रा में बने रहें और याद रखें आपका माथा घुटनों को स्पर्श करना चाहिए। आपके घुटने सीधे रहने चाहिए और कोहनी को भी आपने सीधा रखना है। दोस्तों, ये आसन हमारे लीवर और किडनी को भी सक्रिय करता है और बैक की नसों को भी अच्छा स्ट्रेस देता है। दसवां है त्रिकोण आसन। दोस्तों, ये आसन डायबिटीज के लोगों का ब्लड शुगर लेवल संतुलित रखने में काफी सहायक है। त्रिकोण आसन पैरों के लिए भी अच्छा है। ये पैरों की मांसपेशियों को खिंचाव देता है, जिससे उनकी शक्ति बढ़ती है। इस आसन को करने के लिए दोनों हाथ पैर फैलाकर खड़े हो और उसके बाद एक तरफ से झुक कर दूसरी तरफ का पैर छूने की कोशिश करें। ध्यान रखें, दूसरा हाथ आपका आसमान की तरफ होना चाहिए। इस मुद्रा में थोड़ी देर रुकने के बाद दोबारा खड़े हों और उसकी दिशा बदल लें। ये मुद्रा करने से आपके जीवन से तनाव कम होता है और जिन लोगों को गर्दन, पीठ, कमर दर्द की शिकायत रहती है, जो डायबिटीज में कई बार होता है, उनसे भी उनको आराम मिलता है और साथ ही मानसिक संतुलन को ठीक रखेगा, जो डायबिटीज के रोगियों में जरूरी है। अगला आसन है, इसको ब्रिज पोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मुद्रा एक पुल जैसा दिखता है। दोस्तों, ये एक और ऐसा आसन है जो डायबिटीज में काफी अच्छा है। ये ब्लड को सारे अंगों में सर्कुलेट कराता है और शरीर में नेचुरल इंसुलिन के लेवल को सक्रिय करता है। ये आसन सुबह सुबह खाली पेट भी किया जा सकता है। ये आसन मानसिक और शारीरिक तौर पर भी बहुत ही प्रभावित है। दोस्तों, इस आसन को करने के लिए पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं और दोनों पैरों को ठीक से जमीन पर टिका लें। इसके बाद अपनी पीठ और कमर के साथ पैरों को इतना ही उठाएं कि सिर्फ तलवे ही जमीन पर टिके रहे, जैसे कि इमेज में दिखाया जा रहा है। इस आसन में आप 10 या 15 सेकंड तक टिके रह सकते हैं। ये आसन फेफड़ों को भी खोलता है और जिन लोगों को थायराइड की समस्या भी रहती है उनको भी फायदा करता है। बारवा है अंजना आसन। ये आसन भी डायबिटीज के लिए अच्छा है। कंधों, फेफड़ों और छाती को खोलता है, ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित रखता है और जिन्हें अस्थमा की दिक्कत रहती है या जिन्हें साइनस की दिक्कत रहती है उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये आसन पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है
और जैसे कि दिखाया जा रहा है इमेज में, ये बहुत ही सरल रूप से किया जा सकता है, काफी आसान आसन है जैसे इमेज में आप देख के कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस आसन को करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि जिनका हाई बीपी रहता है, या घुटनों में सर्जरी हुई है, या घुटनों में किसी भी तरीके की चोट लगी है, उनको ये आसन का अभ्यास नहीं करना है। बाकी ये आसन सब कर सकते हैं, ये शरीर को मजबूत करता है और जिनके भी दिमाग में टेंशन घूमती रहती है उनके मन को शांत करता है और तनाव से मुक्त करता है। अगला है वृक्षासन। इस आसन को ट्री पोज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये आसन वृक्ष यानी कि ट्री की पोजीशन में किया जाता है। ये आसन पैरों के लिए काफी अच्छा है, पैरों की मांसपेशियों को स्ट्रेच देता है, पैरों को मजबूती देता है और साथ ही डायबिटीज में जिनका भी ब्लड शुगर लेवल संतुलित नहीं रहता है उनके ब्लड शुगर लेवल को संतुलित बनाने में मदद करता है। इस मुद्रा को करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर एक पैर को उठाकर दूसरे पैर पर टिका लें। एक बार संतुलित बनने पर दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर जाकर जोड़ लें, जैसे कि इमेज में दिखाया है। 30 सेकंड तक सेम मुद्रा में बने रहें और फिर दूसरे पैर के साथ इसी मुद्रा को दोहराएं। आखिरी है बालासन, जिसको चाइल्ड पोज के नाम से भी जाना जाता है। ये आसन भी बहुत आसान आसन है और ये आपके शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने में भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों इस मुद्रा को करने के लिए पेट के बल झुककर बैठ जाएं और 15 से 20 सेकंड तक इसी मुद्रा में टिके रहें। इस आसन को करते वक्त याद रखें कि आप अपने पैरों की एड़ियों को मिलाकर बैठें। ये आसन बेहतर पाचन और तनाव कम करने के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है और जिन डायबिटीज लोगों में पेट में भारीपन ज्यादा लगता है उनके पेट को हल्का करता है और पेट के भारीपन होने से जिनको भूख कम लगती है उनकी भूख को बढ़ाता है और साथ ही जिनके कमर में दर्द रहता है उनकी कमर में भी आराम देता है। तो दोस्तों ये थे कुछ फायदेमंद आसन जो डायबिटीज में शुगर के लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें इस वीडियो चैनल को जिसका नाम है हेल्दी फूडी, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक यू।